अस्सलामुअलैकुम, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ लोग सब खैरियत से होंगे। यार काफ़ी सारे मुझे मैसेज आए कि भाई आपका ब्लॉग नहीं आया एक दिन, तो आप लोग इतना प्यार दिखाते हो। यार मेरी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए कल ब्लॉग नहीं आया। इंशाल्लाह अभी अपलोड करूँगा मैं 1:30 बजे। अभी मेरी सुबह ये 1:30 बज रहा है, तो 1:30 बजे वो वीडियो अपलोड कर लूँगा मैं। और पॉडकास्ट की लिंक भी उस ब्लॉग में डिस्क्रिप्शन में लिंक है पॉडकास्ट की, वीडियो की, और इंस्टाग्राम और टिकटॉक की भी। अगर आप लोग को देखने तो आप लोग वहाँ से जाके देख लो। आज का ब्लॉग यहीं से स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। मुझे इस टाइम कहीं जाना होता है, मैं किसी काम से जाता हूँ फिर डायरेक्ट शॉप जाता हूँ, लेकिन आज मुझे उस काम के से नहीं जाना है। तो मैं नाश्ता कर लूँगा आज, क्योंकि दिन में तो आ नहीं सकता, आऊँगा डायरेक्ट वीडियो अपलोड करूँगा और शॉप चले जाऊँगा। इस वजह से मैं नाश्ता करने जा रहा हूँ अभी। और यार मामा घर में नहीं है, वो किसी काम से गई है, तो अब देखता हूँ कि मेरा नाश्ता है क्या। अगर नहीं होगा तो मुझे नाश्ता खुद बनाना पड़ेगा। यार वैसे मेरा नाश्ता तो बना हुआ होता है, लेकिन यार मैं नाश्ता करता नहीं, मामा को भी गुस्सा आता है, इस वजह से मामा ने नाश्ता कुछ बनाया ही नहीं मेरे लिए। क्योंकि मैं रोज़ कहीं चले जाता हूँ, किसी काम से रोज़ जाना होता है मुझे, इस वजह से मामा नाश्ता बना के रखती, मैं मना करते तो मेरा दिल नहीं करता नाश्ता करने का, लेकिन आज मामा ने मेरे लिए नाश्ता बनाया ही नहीं। क्योंकि रात को मैंने ही उन्हें मना कर दिया था कि आप नाश्ता नहीं बनाना, मैं डायरेक्ट दिन में आके खाना खा लूँगा, वही मेरा नाश्ता होगा, तो अब मैं खुद ही बना लेता हूँ अपना नाश्ता। अरे फ्रिज में पड़ा हुआ आटा, हम निकालते हैं जल्दी से आटा। आटा तो निकाल लिया, पता नहीं पराठा कैसे बनेगा, नहीं बनेगा यार, बनाना तो नहीं आता है मुझे, सही से नहीं आता, लेकिन आज बना लूँगा। यार मैं ब्लॉग बनाऊँ, रोटी बनाऊँ, ये रोटी देखी कैसा बन रहा है। अभी देखता हूँ कि बनता कैसा है, इंशाल्लाह अच्छा बनेगा यार। और तावा चढ़ा दिया मैंने, अब जल्दी से बेलते हैं रोटी और पराठा कैसे बनता है, ट्राई करते हैं आता है या नहीं आता। वाह यार रोटी तो मैंने बिल्कुल सही गोल बेली है, अब देखता हूँ पराठा कैसे बनता है। देखें रोटी बिल्कुल गोल, मम्मी की रोटी गोल गोल। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो। चलो यार अब मैं जल्दी से बनाऊँ, भूख लगा हुआ मुझे, जाना लेट हो रहा है। रोटी बिल्कुल सही बेलाया, अभी इसको डालता हूँ जल्दी से। तावा तो बहुत ज्यादा गर्म हो गया, ऐसा नहीं रोटी जल रहा है ब्लॉग बनाने के चक्कर में। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये रोटी उठाई और ये पता नहीं यार कैसा बनने वाला है, लगता जो है रोटी का कबाड़ा हो जाएगा। शेबी का आज रोटी बिल्कुल इंशाल्लाह लाल बनेगा, जैसा वो खाता है मामा उसको बना के देती है, इंशाल्लाह बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। सोच रहा हूँ व्लॉग बन गया, तो यार ऐसा नहीं व्लॉग बनाने के चक्कर में ये मेरा रोटी पूरा चल गया। अब मैं डालने वाला हूँ तेल। यार मैं सोच रहा हूँ बनकर, तू ऐसा नहीं हाथ में लग जाए मेरे। तेल हम डालेंगे प्याले से, लगता है रोटी सही से पकी नहीं थी और मैंने तेल डाल दिया। अल्लाह अल्लाह मालिक, अब ये रोटी कैसे बन गई। और तेल का छींटा बहुत तेज तेज लगता है यार। यार तेल भी गिर गया। एक तरफ की रोटी तो अच्छी बनी है। Oh no!
यार ये क्या, एक तरफ सही बनी एक तरफ सही नहीं बनी। इतना तेज हाथ में भाप लगा यार, बहुत अजाब है। देख रो पसीना बिल्कुल बिगड़ गया मेरा एक रोटी बनाने में। जल्दी से निकाले मैं उसके लिए प्लेट। चलो सही है यार, गुजारा तुझे का। लाल लाल पराठे, अब इसमें हम लोग डालते हैं चिली से तेल। यार एक बनाते हुए ना मैं बिल्कुल ये व्लॉग नहीं बनाऊंगा क्योंकि बहुत तेज वो हाथ में लगता है, बहुत ज्यादा तेज चिंगारी मारता है। तो अब निकालते हैं हम लोग जल्दी से फिर इसके एग। सालन तो मामा ने बनाया भाई, लेकिन मेरी आदत है एग खाने की, तो मैं खाऊंगा एग। तेल डाल दिया था और अब डाल लूं मैं एग। यार बन गया होटल वाला में। जल्दी से नमक डालें वरना एग तो हो जाएगा कबाड़ा। यार आजकल की लड़कियां ऐसा एग नहीं बनाती, मेरी सिस्टर लोगों को बनाना नहीं आता जो घर पे रहती हैं। देखो मेरे को कैसा एग बना लेता हूँ। देखो यार बिल्कुल गोल गोल एग बना, एक हाथ देखो एक हाथ से व्लॉग भी बना रहा हूँ और एग भी बना रहा हूँ। है ना टैलेंट मेरे अंदर। देखो यार कितना कितनी बड़ी बात है, पहली मरतबा मैंने नाश्ता बनाया है और इसमें एग भी बिल्कुल परफेक्ट बना है। ये चूल्हे जल्दी से बन के लिए कहीं जल नहीं जाए। ये देखो माशाल्लाह शिबी, अपना एक रेस्टोरेंट खोल सकता हूँ मैं। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो। शुरू में खुद काम करूंगा, बाद में वर्कर लोगों को रखूंगा, लेकिन खोलना अपना। यार लेकिन हाथ में दो तीन भाप लगा, बहुत तेज तेज जल लगा। चलो चूल्हा ऑफ कर दिया, अपना नाश्ता लीजिए। और कुछ सालन भी है मामा ने बनाया है, ये तो पूरा मैंने किचन बेड़ा गर्क कर दिया। अब ये सिस्टर मामा आएंगी तो वही सही करेंगी। सालन तो बड़ा स्पेशल लग रहा है, सालन बड़े अच्छे लग रहे भाई। नाश्ता कंप्लीट हो गया। ये नाश्ता लेकर के ये रखा नाश्ता, स्पेशल नाश्ता। यार आज पता चला कि नाश्ता बनाना कितना मुश्किल होता है। मैं जरा चेक तो करूं मेरी रोटी कैसी बनी है। अभी थोड़ा सा पता नहीं एग में नमक कम है या ज्यादा है, चेक करते हैं। वन बाइट से बिल्कुल परफेक्ट बना नाश्ता। तब मैं करता हूँ जल्दी से नाश्ता, फिर जाना शॉप। नाश्ता फिनिश कर चुका यार, थक गया हूँ, पता नहीं खा के थक गया हूँ या बना के थक गया हूँ। सुबह ही सुबह इतना काम। अब यार मैं सोचाऊँ कि अभी शॉप नहीं जाऊँ, अपना वीडियो अपलोड करके जाऊँ, क्योंकि 1:30 बजने वाला है और वीडियो अपलोड करने का टाइम भी हो रहा है। तो वीडियो अपलोड करके इकट्ठे शॉप जाऊँगा, फिर वहाँ से शाम में ही आऊँगा शॉप। तब चलते हैं जल्दी से, हम लोग अपना लैपटॉप का बैग उठाते हैं। लाइट खुले रहे क्योंकि वापसी रूम में जाना ही है। ले लिया लैपटॉप का बैग, अब चलते हैं हम लोग वीडियो के अपलोड करने। लैपटॉप ऑन करिए। और हाँ यार एक और बात ना, काफ़ी सारे मुझे बोलते हैं यार आपकी जो टोन है ना जबान बोलने की, तो
तो यार वो ना कुछ ना पठानों जैसी है ना, आप उर्दू जैसे बोलते हो लेकिन ना अजीब सा ऐसा लगता है कोई पठान उर्दू बोल रहा है। तो यार मैं आप लोगों को बताती चलूँ, पॉडकास्ट पे तो आप लोगों को बता ही दिया होगा मेरे गेस्ट ने कि हम लोग औरंगी से बिलोंग करते हैं, और कोई बुरी बात नहीं, औरंगी से बिलोंग करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और यार मेन चीज़ ये ना, मैं इधर न्यू आया हूँ, मैं पहले रहता था मेट्रोविल में, जो सारे पठान रहते मेरे अल्हम्दुलिल्लाह सारे दोस्त पठान हैं काफ़ी अच्छे। तो यार मैं उन लोगों के साथ रह रहे के ना मेरी जबान ना पठानों वाली, मुझे ना पश्तो पूरी आती है, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह पूरी बोल लेता हूँ और समझ भी लेता हूँ सब। लेकिन यार मैं न्यू आया हूँ ना, तो मैं बात करता हूँ ब्लॉग में भी या किसी से भी ना, वो मुझे डायरेक्ट बोलता है यार तुम पठान हो। मैंने बोला नहीं यार मैं तो पठान नहीं हूँ। बोले यार तुम्हारी जो टोन जो है ना वो पठान हो जाती है। मुझे ना काफ़ी सारे बंदों ने इंस्टा पे मैसेज किया कि भाई आप ऐसा बोलते जैसे आप पठान हो, तो आप पठान हो। मैंने बोले नहीं यार मैं उर्दू स्पीकिंग हूँ, लेकिन मेरे दोस्त वगैरह पठान थे, मैं जिस इलाके में रहता था पठानों का था उधर काफ़ी अच्छे थे सारे, तो मैं उन लोगों के साथ रह रहे कि मेरी आदत हो गई। अभी भी मेरे सारे दोस्त ज़्यादातर पठान में जाता हूँ उनसे मिलने, कभी कभार इंशाल्लाह जाऊँगा तो ब्लॉग में लाजमी दिखाऊँगा इन लोगों को, बातचीत तो होती है, और चाहूँगा तो किसी दिन उनसे मिलने तो आप लोगों को मैं ज़रूर दिखाऊँगा। चलो भाई वीडियो अपलोड करने के लिए लैपटॉप ऑन किया था और कैमरे से मैंने ये थंबनेल बना लिया, अब करते हम लोग जल्दी से वीडियो अपलोड, यूट्यूब अपना ऑन करते हैं, सब चीज़ हो गया रेडी, अब मैं करने वाला हूँ पब्लिक। जल्दी से जाओ आप लोग देखो, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, भूलना मत। और अब ये करता हूँ मैं जल्दी से पब्लिक, और ये हो गया हमारा। चलो भाई फाइनली वीडियो अपलोड हो गई, अब मैं जा रहा हूँ सीधा शॉप। आज धूप भी बहुत ज़्यादा है और चलिए शॉप से आ गया हूँ मैं, अब खाता हूँ जल्दी से खाना और शावर वगैरह लेकर फ्रेश होकर फिर हो जाएगा कॉलेज का टाइम, फिर जाऊँगा सीधा कॉलेज। फ्रेश वगैरह होकर मैं आया हूँ थोड़ा टेरिस पे, मैंने बोला चलो काफ़ी दिन हो गया टेरिस पे नहीं गया, थोड़ा सा घूम लूँ, थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाए, फिर कॉलेज का भी टाइम होने वाला है। तो मौसम तो माशाल्लाह काफ़ी अच्छा हो रहा है, व्यू चेक करो काफ़ी औसम हो रहा है, मौसम। तो अभी मैं जा रहा हूँ नीचे रेडी होने क्योंकि कॉलेज का टाइम हो रहा है। रेडी हो चुका हूँ मैं, चलती हूँ कॉलेज, काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया, काम भी हो रही है। फाइनली मैं कॉलेज से आ चुका हूँ और यार बाहर व्लॉग नहीं बना सकता, आप लोगों को पता भी कराची के हालात कैसे चल रहे हैं, स्नैचिंग कितनी हो रही है, इस वजह से तो मैं मोबाइल बहुत कम निकाल रहा हूँ बाहर। तो मैं कॉलेज से आ रहा था, सोचा कि बना लूँ कुछ, लेकिन मैंने बोला नहीं यार नहीं, क्योंकि अभी काफ़ी ज़्यादा हालात ख़राब चल रहे कराची के, तो इसलिए मैं नहीं बना पाया। तो आज के व्लॉग अपने यहीं पे एंड करेंगे, और वो जो पॉटरी वाली लाइन थी ना, मैंने जो पॉडकास्ट पे कहा था वो लाइन मैंने अपने टिकटॉक अकाउंट पे और इंस्टाग्राम पे रील डाल दी है, आप लोग जाके देख लेना। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, शेयर कमेंट्स लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना यार, इतना मेहनत कर रहा हूँ डेली व्लॉग कर रहा हूँ, आप लोग सपोर्ट ही नहीं कर रहे हो यार, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो चैनल को, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, दुआओं में याद रखना, अल्लाह हाफ़िज़।